बाबा रामदेव की पतंजलि कंपनी पिछले कुछ दिनों से लगातार मुसीबत में है। भ्रामक विज्ञापनों को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने पतंजलि को फटकार लगाई थी। अब उत्तराखंड के पिथौरागढ़ से बुरी खबर सामने आई है। अब वो क्या है, चलिए आज के वीडियो में जानते हैं। सो हेलो एंड वेलकम यू ऑल, दिस इज मी कृतिका एंड यू आर वॉचिंग बोल्ड स्काई। पतंजलि कंपनी की सोन पापड़ी फूड टेस्ट में फेल हो गई है। जी हाँ, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने पतंजलि आयुर्वेदिक लिमिटेड के असिस्टेंट मैनेजर सहित 3 लोगों को 6 महीने जेल की सजा सुना दी है और दिनों पर जुर्माना भी लगाया है। अब पूरा मास्टर क्या है वो भी आपको बता देते हैं। देखिए, आज इंटरनेट पर पतंजलि की इलायची सोन पापड़ी ट्रेंड कर रही है। पूरा मामला जुड़ा है 2019 से। फूड सेफ्टी इंस्पेक्टर ने पिथौरागढ़ के बेरीनाल इलाके में स्थित लीलाधर पाठक की दुकान से सैंपल लिए थे। पतंजलि नवरत्न इलायची सोन पापड़ी को लेकर शिकायतें भी सामने आई। वहीं दुकानदार के साथ साथ पतंजलि आयुर्वेद लिमिटेड को भी नोटिस जारी किया गया। दिसंबर 2020 में उधम सिंह नगर में प्रयोगशाला में जांच की गई, जिसमें सोन पापड़ी घटिया क्वालिटी की निकली। उसके बाद दुकान मालिक लीलाधर पाठक, डिस्ट्रीब्यूटर अजय जोशी और पतंजलि के असिस्टेंट मैनेजर अभिषेक कुमार के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जा चुका है। आपको बता दें कि मामला कोर्ट पहुंच चुका है। साथ ही अदालत ने फूड सेफ्टी की धाराओं में तीनों आरोपियों को 6 महीने जेल की सजा सुनाई है। इतना ही नहीं, तीनों पर 5,000-25,000 तक का जुर्माना भी लगा जा चुका है। फिलहाल आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। और भी ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस को देखने के लिए आप जुड़े रहिए बोल्ड स्काई के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।